हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आपके लिए लेके आ गई हूँ स्टिचिंग का डिज़ाइन। इस बार मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि आप खुद से कैसे जो है बटिक स्टाइल सूट जो है खुद से घर पे स्टिच कर सकते हैं। तो ये है एक सूट जिसका मैं आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी, साथ में मैं कुछ टिप्स शेयर करूँगी कि अगर आप खुद घर पर स्टिच करना चाहते हैं सूट बटिक स्टाइल में तो कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि टिप्स जो है मैं एंड में बताऊंगी वीडियो को। तो चलते हैं, देख लेते हैं आज के सूट का डिज़ाइन। तो ये है हमारा लेवेंडर कलर का सूट, फैब्रिक इसका मसलिन है। आप देख सकते हैं आगे और पीछे का हमने जो है राउंड नेक गला बनाया है। और ये है इसकी स्लीव्स, स्लीव्स जो है 3/4 स्लीव्स हैं। आगे एक पट्टी मुड़ी हुई है और मुड़ने के बाद उस पर लगी हुई है लेस। नेक पे इस तरीके से चौड़ी पट्टी लगी हुई है, उस पर साइड में लगा रखी है लेस। ओवरऑल सूट में जो है वाइट कलर का कंट्रास्ट है। आगे की तरफ इस तरीके से जो है लेस लगी हुई है। ओवरऑल सूट में जो है वाइट कलर की एम्ब्रॉयडरी, उसी को बेस बनाते हुए हमने जो है वाइट कलर की लेस के साथ सूट की डिटेलिंग की है। तो फ्रेंड्स, अगर बात करें इसके बॉटम की, तो हमने इसके साथ क्रिएट किया है पैंट। पैंट जो है इस तरीके से क्रिएट किया, आप देख सकते हैं इसमें लाइनिंग लगा रखी है। और हमने इसमें जो है मेन जो डिटेलिंग की है वो पैंट में की है। पैंट में इस तरीके से दो तरीके की लेसेज लेके मैंने जो है इसमें डिज़ाइनिंग की है। आप देख सकते हैं ये दो डिफरेंट लेसेज है। सामने से जो है कुछ इस तरीके से लुक आएगा इस डिज़ाइन का, और साइड से कुछ इस तरीके का लुक आएगा, आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड, जो यहाँ पे मैं आपके साथ मेन टिप शेयर करने वाली थी कि आप जो है बटिक स्टाइल सूट घर पे कैसे स्टिच कर सकते हैं, तो वो ये है कि डिज़ाइनिंग जो है आप सिर्फ एक चीज़ में दें, या तो आप जो है अपने कुर्ते में डिज़ाइनिंग दें या फिर आप अपने बॉटम में डिज़ाइनिंग दें। अगर आप दोनों चीज़ों में डिज़ाइनिंग देते हैं तो जो है दोनों चीज़ों में डिज़ाइनिंग देने से जो है लुक आपका ओवरऑल ख़राब हो जाता है। तो इस तरीके से ही हमने सूट में किया है, हमने सिर्फ जो है पैंट में डिज़ाइनिंग दी है और कुर्ते को बहुत ही मिनिमल डिटेलिंग के साथ रखा है। तो अगर आप भी खुद से सूट स्टिच कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि कुर्ते में भी डिज़ाइनिंग दे और पैंट में भी और बहुत अच्छा लगेगा, तो बिल्कुल भी लुक अच्छा नहीं आएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये टिप है कि आप एक चीज़ में डिज़ाइनिंग दें। अगर आप कुर्ते में कुछ डिज़ाइन बना रहे हैं तो पैंट को सिंपल रखें, और पैंट में डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं कुछ अच्छी सी तो कुर्ते को सिंपल रखें। आई होप आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। साथ में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ ये बात कि नेक्स्ट मंथ हम लेके आने वाले हैं पार्टी वेयर सूट की डिज़ाइनिंग, तो इसलिए हमारे चैनल को फॉलो